तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले पार्ट में, आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 का सी है ये, तो ये डिस्कस करते हैं। इसके अंदर पूछा क्या है, ए थिन सिलेंडर सेल ऑफ 400 mm डायमीटर इज टू बी यूज्ड फॉर एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 2.4 MPa, फाइंड द सुटेबल थिकनेस ऑफ द सेल इफ अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज 50 MPa। तो यहां पर एक थिन सिलेंडर सेल दी गई है जिसकी 400 mm डायमीटर है और इसके अंदर इंटरनल प्रेशर दिया गया है 2.4 MPa और इसके अंदर सूटेबल थिकनेस निकालनी है हमें, वो जो सेल है थिन सिलेंडर सेल उसकी थिकनेस निकालनी है जब कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारी कितनी हो 50 MPa हो। तो यहां पर ये इस तरीके का सेल है, तो यहां पर एक बार बना लेते हैं हम, ये इस तरीके से हमारा एक थिन सिलेंडर सेल है। तो इस थिन सिलेंडर सेल के अंदर हमारा इंटरनल प्रेशर एक्ट कर रहा है पी, तो इंटरनल प्रेशर एक्ट करेगा और कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारी जनरेट होगी, तो क्या होगा यहां पर, ये इस तरीके से ब्रेक होगा, जो सिलेंडर है हमारा इस तरीके से ब्रेक होगा। और जब हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्ट करेगी, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जनरेट होगी तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण ये किस तरीके से ब्रेक होगा, यहां से बीच में से ब्रेक हो जाएगा ये, लेकिन अभी कैसे ब्रेक हो रहा है, इस तरीके से, यहां से इस तरीके से ब्रेक हो रहा है, करेगा इस तरीके से हमारा थिन सिलेंडर सेल हो गई। अब इसके अंदर ये जो प्रेशर लग रहा है हमारा इस तरीके से लग रहा है, ये नीचे की ओर यहां पर, तो ये प्रेशर लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर जो स्ट्रेस होगी वो हमारी कौन सी आएगी, सर्कमफेरेंशियल या फिर हुप स्ट्रेस, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस हमारी कौन सी हो जाएगी, यहां पर क्या होती है, पीडी अपॉन में 2t। तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस हमारी ये होती है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है, पीडी अपॉन में 4t। तो यहां पर हमें निकालना है ये, इससे क्या निकालना है, थिकनेस की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर डायमीटर हमें दी गई थी कितनी, 400 mm डायमीटर, इंटरनल प्रेशर दिया गया है 2.4 MPa और स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है 50 MPa। तो यहां पर ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो यहां पर सिग्मा की वैल्यू दी गई है 50 MPa इक्वल टू प्रेशर दिया है 2.4 इंटू में डायमीटर कितनी है 400 mm, सारी वैल्यू हमारी mm में दी गई है तो इसलिए हमें वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर 2 इंटू में टी, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू 2.4 इंटू में 400 अपॉन में 2 इंटू में 50, तो एक जीरो से एक जीरो गई और ये क्या हो जाएगा 8 और ये 4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थिकनेस हमारी कितनी आ जाएगी 9.6 mm। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सी। इसमें पूछा गया है, ए बीम ए बी 6 mm लॉन्ग इज सिंपली सपोर्टेड एट ए एंड बी। यहां पर सिंपली सपोर्टेड बीम है जो 6 mm लॉन्ग, ये 6 mm नहीं है, यहां पर 6 मीटर होगा, 6 मीटर लॉन्ग इज सिंपली सपोर्टेड एट ए एंड बी, इट इज लोडेड विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया गया है कितना, 2 kN/m का, फॉर अ लेंथ ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर लेंथ के लिए कितना है 2 kN/m, कहां से, पॉइंट ए से, फ्रॉम ए, एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 4 kN/m फॉर अ लेंथ ऑफ 2 मीटर फ्रॉम बी। बी से कितना लग रहा है, 2 मीटर लेंथ पर 4 kN/m लग रहा है और 4 मीटर लेंथ पर कितना लग रहा है, 2 kN/m। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, अब इसके अंदर ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम, यहां पर शेयर फोर्स डायग्राम पूछा गया है और इसका डी जो है इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा गया है, तो दोनों ही एक साथ हम सॉल्व करेंगे। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका पहले,
एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई। अब इसके अंदर यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यहां तक जो 4 मीटर लेंथ थी वहां तक लग रहा है कितना, 2 किलो न्यूटन वाला, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 6 मीटर और ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट बी हो गया। अब यहां तक जो लोड है वो कितना लग रहा है, ये 4 मीटर तक, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये यहां तक दी है हमारी डिस्टेंस 4 मीटर और ये हो जाएगी 2 मीटर। तो ये 4 मीटर तक कितना लग रहा है हमारा लोड, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, कितना 4 मीटर लेंथ पर, और 4 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है 2 मीटर लेंथ पर। तो यहां से ये हो गया हमारा 2 किलो न्यूटन पर मीटर और ये हो जाएगा 4 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये इस तरीके से हमारा डायग्राम बन जाएगा। तो अब इसके अंदर हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शंस निकालेंगे। यहां पर हमारी आर ए लगेगी और ये आर बी, तो आर ए आर बी क्या हो जाएगा हमारा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू होगा जो वर्टिकल लोड लग रहा है वो। तो वर्टिकल लोड कितना लगेगा हमारा, ये जो यूडीएल है ये यूडीएल लग रहा है हमारा 4 मीटर लेंथ पे। अब 4 मीटर लेंथ पर जो इसका पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट लोड में हमारा कहां हो जाएगा, ये इसके मिडिल पॉइंट पर, तो ये मिडिल पॉइंट पर हमारा लोड लगेगा इस तरीके से। ठीक है, इसको ऐसे बना दिया मैंने। अगर आप लोग यहां पर बनाना चाहें तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट लोड का जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं। तो ये सिंप्लीफाइड होके हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां तक ये 4 मीटर लेंथ हो गई और ये 2 मीटर लेंथ हो गई। तो इसका जो लोड है वो हमारा लगेगा यहां पर पॉइंट लोड, और ये जो वाला जो लोड है वो लगेगा इसके मिडिल में, तो ये इसके मिडिल में हो जाएगा। अब ये जो लोड हो जाएगा वो हमारा कहां कितना लगेगा, ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लग रहा है, तो 2 किलो न्यूटन × 4 मीटर और कितना हो जाएगा फिर, ये 2 × 4 8 किलो न्यूटन और ऐसे ही ये कितना होगा 4 × 2 तो ये हो जाएगा 8 किलो न्यूटन। ये सिर्फ सिंप्लीफाइड करने के लिए आपको थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए ये बनाया मैंने। तो यहां पर आर ए प्लस आर बी हमारा कितना हो जाएगा, 8 + 8 ये हो जाएगा 16। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, मूवमेंट लेंगे अबाउट ए, taking moment about a, तो moment about a लेंगे यहां पर equal to 0। अब मूवमेंट लेंगे तो कैसे लेंगे, यहां आर ए रिएक्शन लग रही है तो आर ए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ए के अबाउट ही ले रहे हैं, तो आर ए इंटू में 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये आर बी इंटू में टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आर ए से, 6 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आर बी इंटू में 6 इक्वल टू किसके बराबर होगा, जो वर्टिकल लोड है, तो वर्टिकल लोड कितना होगा, ये 8 किलो न्यूटन का लग रहा है, ए पॉइंट से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 8 × 2 प्लस में कितना होगा, ये वाला 8 लग रहा है, इसको अपन यहां से कन्वर्ट करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो 8 × में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 प्लस में 1 मीटर। यहां ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इधर आधी इधर आधी, तो 1 मीटर ये 1 मीटर ये, तो कितना हो जाएगा टोटल 5 मीटर। तो यहां पर 8 × 5 जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस में 40 इक्वल टू 56। तो यहां से आरबी की वैल्यू कितनी निकलेगी,
56 डिवाइड बाई 6, तो यहां पर कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 9.33। तो हमारी आरबी की जो वैल्यू है वो आ गई 9.33 किलो न्यूटन। अब यहां से हम आरए की वैल्यू निकाल सकते हैं, 9.33 माइनस हो जाएगा, आर ए इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 9.33, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 6.67। तो ये आ जाएगा 6.67 किलो न्यूटन। अब आर ए आर बी आ गया हमारे पास, ये आर ए की वैल्यू आ गई हमारी 6.67 किलो न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है, शियर फोर्स डायग्राम के लिए वैल्यू निकालनी है, शियर फोर्स की वैल्यू निकालनी है हर एक पॉइंट पर, शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले हर एक पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे, ए पॉइंट पर कितनी शियर फोर्स की वैल्यू है और इस पॉइंट पर कितनी वैल्यू है और यहां पर जो मिडिल पॉइंट है सी पॉइंट इस पर कितनी वैल्यू है। तो इस तरीके से हम शियर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आर ए, फोर्स एट ए, फोर्स एट ए कितना है हमारा, ये है 6.67 किलो न्यूटन, 67 किलो न्यूटन। अब निकालेंगे हम एफ सी, सी पॉइंट पर निकालेंगे, सी पॉइंट पर लोड हमारा कितना आ जाएगा, यहां से पहला ये लग रहा है ऊपर की ओर, तो 6.67 माइनस होगा, ये माइनस ये कितना लग रहा है हमारा 4, ये 8 किलो न्यूटन लग रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 8 किलो न्यूटन। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा, माइनस में 1.33, तो ये हो गया माइनस में 1.33 किलो न्यूटन। अब इसके बाद हम निकालेंगे बी पॉइंट पर, इस बी पॉइंट के लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे और फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो पहले बी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर हम वैसे लोड देखें तो कितना है ये 9.33 है, लेकिन हमें दोनों साइड निकालना पड़ेगा, तो इसलिए यहां पर हम देखेंगे तो ये यहां से कितना होगा, यहां सी पॉइंट तक हमारा लोड कितना था, जो सी पॉइंट है सी पॉइंट तक लोड हमारा कितना हो गया, ये हो गया, तो माइनस में 1.33। और इसके बाद हम निकालेंगे इसके आगे कितना लग रहा है हमारा, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस 8 ये लग रहा है। अगर हम यहां से देखें सी पॉइंट के आगे कितना लग रहा है, 4 इंटू में 2 8, और ये इसके लेफ्ट में आ रहा है बी पॉइंट के लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा कितना, इक्वल टू 9.33, और ये किस में होगा, नेगेटिव में किलो न्यूटन। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और एफ बी राइट हैंड साइड कितना होगा, यहां पर यहां तक हो गया ये, तो राइट हैंड साइड यहां भी बी पॉइंट पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये माइनस 9.33, और प्लस ये आरबी रिएक्शन लग रही है हमारी कितनी है 9.33, तो ये हो जाएगा 9.33, तो इक्वल टू कितना होगा, जीरो। ठीक है, अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको दो बातें याद रखनी है, पहली कि शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। यहां पर देखिए ये क्या है, यूडीएल है, यहां पर जो लोड लगा हुआ है वो यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल के लिए जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है, यूडीएल के लिए शियर फोर्स कैसा बनेगा, शियर फोर्स बनेगा एक ट्रायंगल टाइप का, ट्रायंगल टाइप का एक लीनियर लाइन इस तरीके से। ठीक
ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा? पैराबोलिक, पैराबोलिक अगर ये यूडीएल है तो, ठीक है। तो चलिए इसका फिर डायग्राम बनाते हैं हम यहां पर। ये सी पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये डी हो गया। अब यहां पर जो लोड लगा हुआ है वो हमारा इस तरीके से लगा हुआ है, किलो न्यूटन पर मीटर, और ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर। तो जो आर ए पर जो लोड था वो हमारा कितना था, यहां से हम लोग देखते हैं, आर ए पर जो वैल्यू थी हमारी कितनी थी, ये थी 6.67। कितना है, पॉजिटिव है, तो ऊपर की ओर जाएंगे हम 6.67। ये ए पर कितना गए, 6.67। अब कितना जाना है हमें यहां पर सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर जाएंगे तो सी पॉइंट पर जो लोड है वो हमारा कितना है, -1.33। तो यहां से -1.33 लाइन खींच लेंगे हम, ये हो गया -1.33। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये -1.33 आ गया। अब देखो जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर हमारा लोड कितना है, -9.33। तो यहां पर माइनस जाएंगे अपन, ये माइनस, ये हमारा कितना आ गया इधर 9.33, माइनस में है, तो इस लाइन को हम इससे मिला देते हैं, ये हो जाएगा 3.33। और फिर यहां B पॉइंट पर आने के बाद क्या होगा, हमें क्या जाना है, ऊपर की ओर जाना है, तो ये जीरो हो जाएगा यहां पर, ये माइनस पे है, यहां पर कितना था B के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये -9.33 था, और ये कितना है जीरो। अगर हम ये B जो रिएक्शन है आर बी पर कितना है हमारा, ये 9.33, तो ऊपर की ओर जाएंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा यहां पर जीरो हो जाएगा, 9.33 ऊपर की ओर जाएंगे, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया बी, तो ये बनेगा हमारा शियर फोर्स डायग्राम। यहां पर ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, और इधर भी नेगेटिव रहेगा। अब हमें बनाना है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए, अब ये हमारी क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको याद रखना है कि जो एंड पॉइंट्स रहते हैं, एंड पॉइंट्स पर जो वैल्यू रहती है बेंडिंग मूवमेंट की, वो क्या होती है, जीरो होती है। तो बेंडिंग मूवमेंट एट ए इक्वल टू जीरो एंड बेंडिंग मूवमेंट एट बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें किस पॉइंट पर निकालना है, सी पॉइंट पर निकालना है। तो बेंडिंग मूवमेंट एट सी, सी पॉइंट पर निकालना है। तो सी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे, यहां पर जो लोड लग रहा था वो कितना लग रहा था हमारा, 6.67 यहां पर लग रहा है, ये लग रहा है 6.67 शियर फोर्स एट ए 6.67। तो यहां पर इसको लगा देते हैं पहले, ये लग रहा है 6.67, और इससे भी हम देख सकते हैं ये शियर फोर्स डायग्राम से। तो शियर फोर्स डायग्राम में ये 6.67 है, तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो 6.67
इनटू में सी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, तो सी पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे लोड की, तो सी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 मीटर और ये 2 मीटर, तो ये हो जाएगा लोड इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 4, ये ऊपर से लग रहा है तो माइनस हो जाएगा 2 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, इनटू में डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर है तो 4, और लग कहां पर रहा है हाफ डिस्टेंस पर, तो 4/2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा देखते हैं, ये 6.67 इंटू में 4, 6.67 इंटू में 4 ये हो जाएगा 26.68 माइनस में ये कितना होगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 10.68 न्यूटन मीटर। अब इसके बाद बेंड मूवमेंट आ गया हमारा सी पर, अगर हमें एक्चुअल डायग्राम बनाना सही से बनाना है तो क्या होगा, इस पॉइंट पर यहां पर जो लोड लग रहा है इस पॉइंट पर हम निकाल लेंगे बेंडिंग मूवमेंट, और यहां पर जो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा इस यूडीएल का, तो इसका जो मिडिल पॉइंट रहेगा वहां पर भी निकाल लेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा एक सही डायग्राम बन जाएगा। अगर हम इससे बनाते हैं तो इससे कैसे बनेगा यहां पर देखते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी और सी पॉइंट ये हो गया, तो यहां से देखिए अब ये जो पॉइंट था सी पॉइंट पे हमारा जो बेंडिंग मूवमेंट आ रहा था वो कितना आ रहा है 10.68 ठीक है, और ए और बी पर कितना है 0 है, तो ये हो गया हमारा 10.68। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, अब देखिए जो बेंडिंग मूवमेंट है वो हमारा मैक्सिमम कहां होता है, जहां पर सीआर फोर जीरो होता है, तो यहां पर हमारा सीआर फोर जीरो है, तो यहां पर सीआर फोर जीरो है, तो यहां पर क्या होगा बेंडिंग मूवमेंट हमारा मैक्सिमम होगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां पर क्या होगा कम होगा ठीक है, और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा ये मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर इसको अपन इससे मिला देंगे, तो ये डायग्राम बनेगा हमारा इस तरीके से, ये हो जाएगा शियर फोर्स डायग्राम, ये हो जाएगा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ये पॉजिटिव है यहां पर, ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बीएमडी, और ये हो गया हमारा एसएफडी। तो इस तरीके से बनता है शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7, ये है स्प्रिंग से है, तो यहां पर इसमें क्या पूछा गया है, एक क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग ऑफ 10 सेंटीमीटर मीन डायमीटर इज मेड ऑफ 20 टन्स, तो यहां पर हेलिकल स्प्रिंग है जिसकी मीन डायमीटर कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर और मेड ऑफ 20 टन्स, और जो नंबर ऑफ टन्स है वो हमारे 20 दी गए हैं, और 1 सेंटीमीटर डायमीटर स्टील वायर, और स्टील वायर की जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर दी गई है, द स्प्रिंग कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 100 न्यूटन, जो लोड है हमारा एक्सियल लोड वो 100 न्यूटन का लग रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द स्प्रिंग एंड डिफ्लेक्शन कॉज्ड, टेक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दी गई है, तो हमें क्या निकालना है शियर स्ट्रेस निकालनी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन निकालना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक स्प्रिंग बना लेते हैं इसकी, किस तरीके से लोड लग रहा है वो देख लेते हैं, ये इस तरीके से हमारी हेलिकल स्प्रिंग रहती है, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से नहीं बना है, और यहां पर हमारा क्या लग रहा है एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है, और ये हमारी क्या होगी मीन रेडियस होगी यहां से यहां तक की कैपिटल आर, और इसकी जो डायमीटर है वो हमारी क्या है स्मॉल डी है, जो स्टील वायर की डायमीटर है ठीक है, तो यहां पर स्टील वायर की जो डायमीटर है वो कितनी दी गई है 1 सेंटीमीटर, और कैपिटल डी कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से आर की जो वैल्यू है
ये आर निकाल सकते हैं, आर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और जो लोड है कैपिटल डब्ल्यू वो दिया गया है हमें कितना, ये दिया गया है 100 न्यूटन का, तो 100 न्यूटन हो गया ये। और क्या दिया गया है, नंबर ऑफ टन्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ टन्स कितनी है, एन की वैल्यू दी गई है स्मॉल एन, स्मॉल एन इक्वल टू दिया है 20। और सी की वैल्यू दी गई है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये दिया गया है 8 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर पर एमएम, न्यूटन पर एमएम, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है वैल्यू। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो यहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स की वैल्यू होती है यहां पर 16 wr अपॉन में पाई डी क्यूब। तो ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, टाउ मैक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ट्विस्टिंग मूवमेंट हमारा w इंटू में r, ये होता है t ट्विस्टिंग मूवमेंट। और एक ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या होता है, 16t अपन पाई डी क्यू से अपन निकाल सकते हैं, ये टाउ इक्वल टू होता है 16t अपॉन में पाई डी क्यू। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये टाउ इंटू में पाई डी क्यूब अपॉन में 16। तो यहां पर ये जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है, टी की वैल्यू जो है दोनों, इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, टाउ की वैल्यू। और टाउ की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी, 16 wr अपॉन में पाई डी क्यूब। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो वैल्यूज है हमारी, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, टाउ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 16 × अब ये सारी वैल्यूज हमारी सेंटीमीटर में दी गई है, तो यहां पर अगर हम निकालते हैं एमएम में तो ये कितनी हो जाएगी, तो यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहां पर एमएम में कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड हो जाएगा, ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 10⁴ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एमएम में। अब निकालेंगे हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू, तो शियर स्ट्रेस के अंदर W इक्वल टू दिया है 100, ये 100 हो जाएगा, और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 50 mm, ये 50 हो गया। अब इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे पाई, पाई इंटू में डी, डी कितना है ये स्मॉल डी, तो 10 mm वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 10�³। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे टाउ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहां पर कैलकुलेट करते हैं, 16 × 100 × 50 डिवाइड बाई 3.14 × 10³, तो ये हो जाएगा 25.47। टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 25.47 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ रही है। तो यहां पर अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो तो आप भी लोग भी चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद टाउ मैक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारी, अब इसमें के अंदर हमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग, डेल्टा इक्वल टू होता है 64 w इंटू आर क्यूब इंटू में
एन नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में होता है सी डी टू द पावर फोर। तो ये फॉर्मूला रहता है हमारा किसके लिए, डिफ्लेक्शन के लिए, ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 64 इंटू में डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी 100 इंटू में कैपिटल आर की वैल्यू हमारी कितनी थी 50 MPa 50 mm आर क्यूब इंटू में नंबर ऑफ टर्न्स 20 अपॉन में क्या है सी डी टू दी पावर 4। तो सी की वैल्यू हमारी कितनी है, ये है 8 इंटू में 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहां पर सारी वैल्यू हम किस में ले रहे हैं, mm में ले रहे हैं। तो c की वैल्यू 8 इंटू में 10 टू द पावर 4 इंटू में किसकी वैल्यू d टू द पावर 4। तो d हमारा कितना है 10 mm है, तो इसका ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4। डायमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 mm, और ये 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 100 mm, और ये कितना होगा 50 mm, और ये न्यूटन में दिया है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये जो सी की वैल्यू है वो कितनी दी गई हमारी 8 इंटू में 10 टू द पावर 6, यहां पर ये 10 टू द पावर 6 है, ये कितना दिया है 10 टू द पावर 6। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा को, तो ये कितना आ जाएगा देखते हैं, 64 इंटू में 100 इंटू में 50 का क्यूब इंटू में 20 डिवाइड बाई 8 इंटू में 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 mm। तो यहां पर कितना आ जाएगा डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारी 20 mm। तो ये हो गया डिफॉर्मेशन, और ये हो गई हमारी शियर स्ट्रेस 25.47 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है इस पेपर का। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर डी है 8th का। तो इसके अंदर क्या पूछा गया है, ए शाफ्ट 8 मीटर लॉन्ग एंड 100 mm डायमीटर रोटेटिंग एट 250 rpm ट्रांसमिट 100 kW, कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट, और क्या निकालना है एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है। टेक C इक्वल टू 8 इंटू में 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहां पर C की वैल्यू इतनी दी गई है 8 इंटू में 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें लेना है कि क्या क्या दिया गया है इसके अंदर, गिवन। तो यहां पर 8 मीटर लॉन्ग लेंथ दी गई है शाफ्ट की, L इक्वल टू 8 मीटर, तो इसको हम mm में कन्वर्ट करेंगे 8000 mm। नेक्स्ट डायमीटर 100 mm डायमीटर एंड 250 rpm, तो डायमीटर दिए हमें 100 mm और rpm दिया है n की वैल्यू 250 एंड पावर दी है, पावर कितनी दी है 100 kW, तो ये 100 kW पावर दी है 100 kW। नेक्स्ट C की वैल्यू दी है 8 इंटू में 10 टू द पावर 4, C इक्वल टू दिया है 8 इंटू में 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमें इसके अंदर क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और क्या निकालना है थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे शियर स्ट्रेस का, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होती है 16 T अपॉन में पाई D क्यूब। तो ये फॉर्मूला रहता है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए,
तो टी की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, पावर से निकालेंगे। तो यहां पर पावर इक्वल टू क्या होता है, 2π n t/60। तो यहां से हम लोग टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पी की वैल्यू कितनी दी है, 100 kW। तो 10^3 हो जाएगा इक्वल टू 2π इंटू में n की वैल्यू कितनी है, 250 इंटू में t अपॉन में 60। तो ये क्या हो जाएगा, 60 इधर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो t इक्वल टू आ जाएगा 100 इंटू में 60 इंटू में 10^3 अपॉन में 2π इंटू में 250। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं, 100 इंटू में 60 इंटू में 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू में 3.14 इंटू में 250। तो ये आ जाएगा 3821। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 3821.65। और ये जो निकली है वो वैल्यू निकली है हमारी न्यूटन मीटर में। ठीक है, ये याद रखना आपको कि न्यूटन मीटर में निकलेगी हमारी वैल्यू, क्योंकि यहां पर ये किलोवाट था तो इसको वाट में कन्वर्ट कर दिया और ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर में। ठीक है, अब इसके बाद हम ये जो टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, जो टाउ मैक्स का फॉर्मूला है यहाँ पर। तो अब इसके अंदर पुट करने से हमारा टाउ मैक्स की वैल्यू निकल सकती है। तो चलिए देखते हैं कितनी निकल रही है। यहाँ पर टाउ मैक्स इक्वल टू आ जाएगा 16 इंटू में टी कितना है, 3821.65। अब ये क्या है, न्यूटन मीटर में दिया है तो इसको हम mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए 10^3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π d³। तो पाई इंटू में d की वैल्यू कितनी है, 100 mm। तो ये हो जाएगा 100^3। तो यहां से टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10^6 हो जाएगा ये। यहाँ पर ये कितना होगा, 10^6, और ये 10^3 है। तो देखते हैं 3821.65 इंटू में 16 इंटू में 10^3 डिवाइड बाई 3.14 इंटू में 10^6। तो ये आ जाएगा 19.47। ये आ गया हमारी वैल्यू 19.47 मेगा पास्कल। तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई हमारी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ गई, अब हमें निकालना है क्या, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो टॉर्सन इक्वेशन हमारी क्या होती है, टॉर्सन इक्वेशन क्या होती है, टी अपॉन जे इक्वल टू टाउ अपॉन आर। ये टाउ मैक्स है, टाउ अपॉन आर इक्वल टू सी इंटू में थीटा अपॉन में एल। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पर टी है हमारे पास, जे हमें निकालना पड़ेगा। अगर हम इससे निकालें, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं हम इक्वल में, तो टाउ की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, आर हमारे पास है, एल है, सी है, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा टाउ मैक्स इंटू में एल अपॉन में आर इंटू में सी। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर यही आ रहा है, ये देखिए टाउ मैक्स एल इधर आ गया और सी नीचे आ गया, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई थीटा की। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये कितना आया था, 19.47 आया। तो ये 19.47 इंटू में एल की वैल्यू कितनी है, 8000 मीटर दिया गया, 800, ये 8 मीटर दिया गया था, तो 8000 mm में हो जाएगा, क्योंकि mm में ले रहे हैं हम सारी वैल्यू। और r की वैल्यू कितनी दी है, ये डायमीटर 100 mm दिया है, तो इसको हम r कितनी हो जाएगी, 50।
50 एम एम, सी की वैल्यू कितनी दी है 8 इंटू में 10 to the power 4, तो यहां से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, यहां पे 1 बचेगा और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे कितना बचा 500, तो कितना हो जाएगा 19.47 अपॉन में 500 डिवाइड बाई 500, तो ये कितना हो गया 0.0, थीटा की वैल्यू आ गई है 0.0389, तो ये किस में वैल्यू आई हमारी रेडियन में, ये हमारी आई है रेडियन में। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 0.0389 इंटू में क्या करेंगे 180 अपॉन में पाई, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर देखते हैं कितना आ रहा है इंटू में 180 डिवाइड बाई 3.14, तो ये डिग्री में आ जाएगा 2.23 डिग्री, तो ये आ जाएगी हमारी डिग्री में वैल्यू और ये रेडियन में आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा 2017 का पेपर सॉल्व, ये हो गया हमारा 2017 का पेपर सॉल्व, और इसके बाद हम 2018 का स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इसके साथ ही हमारी आरके जैन के ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्यूशन सीरीज भी चल रही है, वो भी धीरे धीरे चल रही है, और साथ में शॉर्ट्स वीडियो भी हमने स्टार्ट किए हैं, तो मैक लर्निंग पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।